वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री फिल्म को, जिसमें पुलिस वालों के द्वारा दो केसों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए गए हैं। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एसआई आनंद को दिखाया जाता है, जिसे केस के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। उसे सस्पेंड क्यों किया गया है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां हमें मालूम चलता है कि आनंद का हाल ही में एक जगह से ट्रांसफर हुआ है, और यहां पर चार्ज लेने के बाद उसने यहां के सारे क्राइम जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। अब कुछ दिनों के बाद आनंद के पास एक और केस आता है, जहां पर एक पिता अपनी लड़की की मिसिंग फाइल कंप्लेंट कराता है। वो बताता है कि उसकी तीन बेटी है, उनमें से एक बेटी जो है वो कॉलेज गई थी अपने एग्जाम का हॉल टिकट लेने के लिए, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, और उस लड़की का नाम लवली है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लवली जल्द ही उनके घर पर आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। जिसके बाद लवली के पिता आनंद को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर कि लवली को आखिरी बार देखा गया था। लवली को आखिरी बार बस स्टैंड के पास चाय की टपरी के पास देखा गया था। यहीं पर एक छोटी सी चाय की टपरी है, जिसे 2 बुजुर्ग लोग चलाते हैं, और वो आनंद को बताते हैं कि इसी चाय की टपरी के पीछे 2 लड़के हमेशा किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं, और उन्हें पूरा शक है कि उन दोनों लड़के ने ही लवली को गायब किया होगा, क्योंकि उनका घर इस टपरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात सुनने के बाद आनंद तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाता है और उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेता है। वो उनसे पूछताछ करना शुरू करता है, और वो लड़के यहाँ पर घबराकर सब कुछ सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि हमने लवली को गायब नहीं किया है, और वो बताने लगते हैं कि उस दिन लवली जब कॉलेज से वापस लौट रही थी तो उन्होंने लवली का हाथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो लवली के साथ आगे कुछ और कर पाते, वहाँ पर एक मछली वाला आ गया जो कि मछली बेचता है, और उनसे देखते हुए उन दोनों ने लवली को यहाँ से छोड़ दिया था, जिसके बाद लवली काफी दूर निकल चुकी थी, इसलिए हम उसके पीछे नहीं गए और वापस घर आ गए। लेकिन उन दोनों की बातों पर किसी को भी कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी उनसे पूछताछ कर रहे थे। जिसके बाद आनंद जो है वो लवली के घर पर पहुंचता है। वो देखता है कि लवली जो है वो जीसस को बहुत मानती है, और दरअसल में वो एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया था। साथ ही यहाँ पर लवली के पिता बताते हैं लवली अक्सर चर्च भी जाया करती थी फादर से मिलने के लिए। दूसरी तरफ पूरे इलाके में लवली की छानबीन चल रही थी, सभी मिलकर लवली को ढूंढ रहे थे। यहाँ के हर एक एरिया में वो लवली को ढूंढ रहे थे। तब यहाँ पर आनंद सोचता है कि क्यों ना उन्हें एक बार फादर से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि यहाँ पर 2 ग्रुप बटे हैं, जो कि चर्च में जाते हैं और 1 ग्रुप चर्च में नहीं जाता है, और पुलिस का चर्च में जाना साफ मना है। लेकिन आनंद उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और तुरंत ही चर्च की तरफ बढ़ता है फादर से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को पहले ही मालूम चल गया था कि आनंद यहाँ पर आ रहा है, तो वो लोग आनंद को रोकने लगते हैं, लेकिन आनंद को तो किसी भी हालत में अंदर जाना था, जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। और उसी वक्त इंस्पेक्टर की भी एंट्री होती है, और वो यहाँ पर आनंद को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस चर्च के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। इस वजह से इंस्पेक्टर जो है वो एसआई आनंद को, और तभी उनके पास एक खबर आती है कि कुएं में किसी अनजान शख्स की लाश मिली है, जो कि एक बोरे में है, जिसके बाद उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस बोरे में लवली की लाश होगी। जैसे उसे बाहर निकाला जाता है और बोरे से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, तो वो सचमुच ही लवली की लाश थी। ये देखकर लवली के पिता पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जो 2 लड़के लवली को परेशान कर रहे थे, इंस्पेक्टर उन दोनों को लॉकअप में बहुत मारते हैं और उनसे जबरदस्ती उगलवाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आनंद को पता है कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो फादर की साइड है, मतलब कि फादर के फेवर में है, इसलिए वो फादर के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने से आनंद से साफ मना कर देता है। अब जिस कुएं से लवली की डेड बॉडी निकाली गई थी, उस कुएं के आसपास आनंद जो है वो छानबीन करने लगता है। उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी मतलब कि लवली को यहीं से घसीट कर ले जाया गया होगा। जिसके बाद DYSP की एंट्री होती है, और वो भी फादर की साइड है।
मतलब कि वो भी फादर के फेवर में ही है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर ने DYSP को इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया था और DYSP को यहाँ की कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, इसलिए वो चाह रहे थे कि इस केस को वो जल्द से जल्द सॉल्व करे और किसी के ऊपर इल्जाम डालकर फ्री हो जाए, वरना उनकी नौकरी भी जा सकती है। यहाँ पर आनंद DYSP को बताता है कि उसने इस केस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है और उसने पता लगाया है कि लवली किस जगह से गायब हुई है, और जिस जगह से गायब हुई है वो कुआं जो है वो बहुत दूर पड़ता है। अगर उन्हें उस जगह से लवली को ठिकाना लगाना ही था तो वो पास वाले कुएं का यूज करते, जबकि वो इतनी दूर गए और उस कुएं के पास सिर्फ चर्च ही है, मतलब कि फादर का घर ही है, इसलिए हमें एक बार उनसे पूछताछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर DYSP आनंद का मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इस केस में दखलंदाजी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये केस एकदम सीधा है और इसको वो लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद एक कुत्ते का सहारा लिया जाता है, उसे लवली के कुछ कपड़े सुंघाए जाते हैं और वो कुत्ता जो है वो धीरे धीरे करके चर्च के पास पहुंच चुका था और चर्च के बाहर खड़ा होकर वो भौंक रहा था। ये देखकर आनंद बहुत अच्छे से समझ चुका था कि चर्च के अंदर कोई ना कोई राज है, लेकिन DYSP तो फादर के फुल सपोर्टर है, इसलिए वो किसी भी पुलिस वाले को चर्च के अंदर नहीं जाने देंगे। ये सारी चीजें देखकर आनंद को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि आनंद के पास लवली के पिता आते हैं और लवली के पिता यहाँ पर आनंद को बताते हैं कि आखिरी बार लवली को एक और इंसान ने देखा था, उसका नाम है सिराज। सिराज दरअसल में एक बस कंडक्टर है और वो जब अपने काम पर जा रहा था तो उसने लवली को फादर के घर पर जाता हुआ देखा था और उसने ये बात पूरी तरह से कंफर्म की है। ये सुनने के बाद आनंद को अब पूरी तरह से शक हो जाता है कि फादर के घर में कोई ना कोई राज जरूर है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फादर के घर में एक चोर घुस जाता है और ये बात फादर को भी मालूम चल चुकी है। फादर जब उठता है तो वो चोर जो है वो दरवाजा तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फादर उसका पीछा करता है लेकिन फादर उसे नहीं पकड़ पाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर जो है वो अपने दरवाजे को ठीक करवा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर थोड़ी देर में आनंद जो है वो उसी चोर के साथ आता है और कहता है कि हमने आपके चोर को पकड़ लिया है और हमने इसे अरेस्ट भी कर लिया है, इसलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन फादर कहता है कि मैंने इस चोर को माफ कर दिया है तो आपको तलाशी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद को तो तलाशी लेनी ही थी, इसलिए वो उनके घर में पहुंच जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। वहां उन्हें एविडेंस के रूप में हेयर सैंपल मिलते हैं और कुछ चूड़ियां भी मिलती है। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि ये तो जरूर लवली के ही होंगे। जिसके बाद आनंद फादर को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि यहाँ पर आनंद ने इस केस के बारे में बहुत सारे राज पता कर लिए थे और आनंद ने पुलिस स्टेशन में लवली की बड़ी बहन को भी बुलाया था। और यहाँ पर अब आनंद जो है वो सभी को बताने लगता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि उसे अब सब कुछ मालूम चल गया है। वो बताता है कि फादर का एक बेटा है जिसका नाम डैन है, जो कि बाहर पढ़ाई करता है और वो कुछ दिन पहले फादर के घर पर रहने के लिए आया था तो फादर बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही दिन उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है किसी काम के कारण। तो डैन अब घर में अकेला था तो उसने सोचा क्यों ना आज रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लवली की बड़ी बहन थी। तो सारी रात डैन ने लवली के साथ रात बिताई। अगली सुबह जब कॉलेज से एग्जाम हॉल के टिकट लेते हुए लवली जो है वो फादर के घर पर पहुंची थी तो यहाँ पर दरवाजा जो है वो लवली की बड़ी बहन ने खोला था। ये देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ पर लवली कहती है कि फादर को सब कुछ बता देगी क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन दोनों ने लवली को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी लेकिन लवली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, इसलिए उन लोगों ने लवली का मुँह बंद करके अंदर लेकर चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर एक पोस्टमैन आता है, लेकिन पोस्टमैन को यहाँ पर घर में कोई भी नज़र नहीं आया क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे। वो सारे दरवाजे लवली की बड़ी बहन ने बंद कर दिए थे, जबकि दूसरी तरफ डैन ने लवली का मुंह इस तरह से बंद किया था कि लवली सांस तक नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से दम घुटने की वजह से लवली की जान चली गई और ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ था। सबसे पहले तो उन लोगों ने लवली की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, वो भी फादर के घर में ही, और फिर लवली की बड़ी बहन वापस अपने घर पर आ गई। यहाँ पर बात चल रही थी कि लवली बहुत देर हो गई अभी तक घर नहीं पहुंची, शायद उन्हें इस बात की टेंशन कम हो रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और लवली घर आ जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि अब वो घर कभी नहीं आने वाली है। अब रात होते ही लवली की बड़ी बहन उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाती है,
क्योंकि डैन को वो अकेला फंसने नहीं देना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने उस लाश को एक कुएं के पास ले गए और उसे एक कुएं में फेंक दिया। तो ये केस तो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था, डैन ने ये सब कुछ किया था। और कहीं ना कहीं ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अनंत को समझा रहे थे कि जब वो लोग डैन को कोर्ट ले जाएं तो उसे बड़े ही आराम से लेकर जाएं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग जो है वो बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है, जैसे ही आनंद यहाँ पर डैन को लेकर कोर्ट जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी जो कि नारेबाजी कर रही थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए डैन जो है वो आनंद के हाथों से हथकड़ी छीन कर भाग निकलता है। और भागते भागते जब वो रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ एक ट्रेन के चपेट में आने से डैन की मौत हो जाती है। ये सब चीज़ें देखकर सारा इल्ज़ाम जो है वो आनंद के ऊपर आता है, क्योंकि आनंद उसी की कस्टडी से भागा था, जिस वजह से आनंद को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि आनंद ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, इसके बावजूद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरह से आनंद ने अपना पहला केस सॉल्व कर लिया था, जिसके बाद एक ऑफिसर जो है वो आनंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें केस देना चाहते हैं। हालांकि वो एक अनसॉल्व केस है, इस केस को पहले भी कुछ टीम सॉल्व कर चुकी है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी टीम इस केस को सॉल्व करे। तुम्हारे जितने भी लोगों पर सस्पेंशन चार्ज लगे हैं हम उन सारे सस्पेंशन को हटाते हैं। जिसके बाद आनंद जो है वो अपनी टीम से मिलता है और उन्हें इस केस के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पहले भी इस केस पर कुछ और टीम काम कर चुकी है तो वो सॉल्व नहीं कर पाए तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। जिसके बाद वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर कि सुभाष नाम का बंदा जो है वो एक स्पीच दे रहा था कि आज के बाद हम इस गांव में कभी भी कोई भी पुलिस टीम को यहां पर नहीं आने देंगे और इस केस पर काम नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले भी कुछ टीम्स यहां पर आई हैं और उन्होंने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी वजह से हमारे गाँव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है और गाँव के लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया है, जिस वजह से हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ये सुनने के बाद आनंद को ऐसा लगता है कि अगर गांव के लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। जिसके बाद वो नायर नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। वो यहाँ पर उनसे कहता है चाहे कोई भी साथ दे या ना दे लेकिन मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये सुनने के बाद आनंद के अंदर जान में जान आती है कि आखिर कोई तो है जो कि उनका साथ देने वाला है। तो अब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिस केस के सिलसिले में वो यहाँ पर आए हैं। दरअसल में उस लड़की का नाम श्रीदेवी है और वो पढ़ने लिखने में काफी तेज भी है, और श्रीदेवी की माँ जो है वो सिलाई का काम करती है, लेकिन उसके पिता श्रीदेवी की माँ को बुरी तरह से मारते हैं, इसलिए श्रीदेवी की माँ ने अपने पति को छोड़ दिया और किसी दूसरे इंसान के साथ रहने लगी थी, लेकिन वो भी उसे मारा करता था, जिस वजह से अब वो दोनों अकेले ही रहते हैं। यहाँ पर श्रीदेवी को शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे भी ऐसा ही पति मिलेगा जैसा कि उसकी माँ को मिला है। और यहाँ एक पोस्टमैन अक्सर श्रीदेवी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड की चिट्ठी लाया करता था जो कि मुंबई में रहा करती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि श्रीदेवी को एक जंगल में मार दिया गया है, उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये काम किसका है इसी का पता करने के लिए आनंद की टीम यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर नायर जो है वो आनंद की टीम को सब कुछ बता देता है कि पिछली टीम ने क्या क्या गलती की और उन्हें किन किन लोगों पर शक है। उसने श्रीदेवी के बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था कि कौन कौन लोग श्रीदेवी के ऊपर गंदी नजर रखते थे। उनमें पहला नाम सुभाष का था। सुभाष दरअसल में गाँव का एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर पर टीवी है, मतलब कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है, इसलिए उसके घर पर अक्सर श्रीदेवी भी टीवी देखने के लिए जाया करती थी। लेकिन सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि सुभाष का कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए सबसे पहले आनंद सुभाष को अपने पास बुलाता है पूछताछ के लिए। सुभाष से पूछा जाता है कि जब श्रीदेवी की लाश मिली थी तब वो कहाँ पर था। पूरा गांव तो वहीं पर था, लेकिन सुभाष कहता है कि मुझे डर लग रहा था इसलिए वो वहां पर नहीं गया। आनंद फिर से श्रीदेवी के घर कुछ छानबीन करने के लिए जाता है। वहां जाकर उसे एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी दरअसल में श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड की थी जो कि मुंबई में रहती है। तो यहाँ पर आनंद सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वो कह रही थी कि मुझे हिंदी सीखनी है क्योंकि उसे कुछ काम वगैरह करना है, और श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि अक्सर उन दोनों की बात लेटर पर हुआ करती थी। इसलिए सबसे पहले आनंद जो है वो पंचायत भवन पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो ये देखना चाह रहा था कि आखिर उस समय पर मुंबई कौन कौन गया था, लेकिन यहाँ पर वो आदमी जो है वो आनंद से कोऑपरेट नहीं करता है और वो कोई भी जानकारी नहीं देता है। अब आनंद जब उस लेटर को गौर से देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये जो लेटर है
वो मुंबई से नहीं बल्कि हरियाणा से आया है। तब यहाँ पर आनंद जो है वो फिर से उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उसे लेटर बताता है, तो वो बताती है कि ये लेटर तो मैंने लिखा ही नहीं है और ये राइटिंग भी मेरी नहीं है। ये सुनने के बाद आनंद के अंदर बहुत सारे डाउट चलने लगते हैं और आनंद को ये बात भी हाल ही में मालूम चली है कि श्रीदेवी जो है वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद आनंद जो है वो हैंडराइटिंग मैच करने के लिए पंचायत भवन में पहुंचता है। लेकिन पंचायत भवन का प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर आनंद को रंगे हाथ तो पकड़ लेता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है वो लातों का भूत था, वो बातों से नहीं मानने वाला था, इसलिए वो उसे जबरदस्ती करके रिकॉर्ड को चेक करता है और उसे अब लेटर की हैंडराइटिंग मैच करने के लिए एक रिपोर्ट मिल चुकी थी और वो हैंडराइटिंग दरअसल में जगदीश की है जो कि हरियाणा में रहता है और वो करुणाकरण का बेटा भी है। अब धीरे धीरे करके सारे रहस्य खुलने लगते हैं। तो यहाँ पर आनंद ने करुणाकरण को भी अपने पास बुला लिया था और उससे भी अब उनने पूछताछ चालू कर दी थी। आनंद यहाँ पर करुणाकरण को बताता है कि श्रीदेवी का मर्डर जो है वो उसके लवर ने नहीं बल्कि तुमने किया है, क्योंकि तुम्हें ये बात पच नहीं रही थी कि तुम्हारा बेटा जो है वो एक नीची जात वाली लड़की से प्यार करे और उससे शादी करे, इसलिए तुमने श्रीदेवी को मार दिया। जिसके बाद जगदीश का वॉइसमेल सुनाया जाता है जिसमें वो बताता है कि वो और श्रीदेवी जो है वो बचपन से प्यार करते थे, उन्होंने किसी की नजरों में नहीं आने दिया अपना प्यार, क्योंकि कोई भी उनके प्यार को सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक दिन जगदीश के घर पर जब कोई भी नहीं था तो उसने घर पर श्रीदेवी को बुलाया और यहाँ पर वो इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से श्रीदेवी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब काम के सिलसिले में जगदीश जो है वो हरियाणा चला गया था। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन दोनों ने भागने का प्लान बनाया। जगदीश श्रीदेवी से कहता है कि वो उसके गांव के बाहर इंतजार करेगा, तो जगदीश हरियाणा से गांव की तरफ आता है और गांव के बाहर उसका इंतजार करता है। लेकिन उस रात यहाँ पर जगदीश को मालूम चला कि श्रीदेवी की जान चली गई है। ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस हरियाणा चला गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद करुणाकरण ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सब कुछ सही है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ किया है। तो आखिरकार यहाँ पर फिर से आनंद ने दूसरा केस सॉल्व कर लिया था, लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। एसपी सर भी यहाँ पर आ चुके थे और हाल ही में उन्हें मालूम चला है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नायर ने एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली है। उसने एक लेटर भी छोड़ा था और उस लेटर में उसने सब कुछ बताया था। दरअसल में असली कातिल करुणाकरण नहीं है बल्कि नायर है। दरअसल उस वॉइसमेल में जो आवाज है वो करुणाकरण के बेटे जगदीश की नहीं है बल्कि नायर के बेटे आकाश की है। तो यहाँ पर आनंद और नायर एक दूसरे को समझने के बाद नायर बहुत अच्छे से समझ चुका था कि आनंद उसका खेल समझ चुका है और श्रीदेवी का लवर भी जगदीश नहीं बल्कि आकाश ही था। उसको वो लेटर लिखा करता था और वो सारे लेटर जो है वो नायर पढ़ लिया करता था। पोस्टमैन जो भी लेटर श्रीदेवी के लिए लाया करता था, नायर उन सारे लेटर को चुपचाप पढ़ लिया करता था। और जब उसे ये बात मालूम चली कि उसके बेटे का अफेयर दरअसल में एक छोटी जात वाली लड़की से चल रहा है, तो वो ये टॉलरेट नहीं कर पाया और एक रात जब वो दोनों भागने वाले थे तो यहाँ पर नायर ने श्रीदेवी को मार डाला। लेकिन अब ये बात नायर को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बात आनंद को मालूम चल चुकी है, इसलिए उसने एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी। और आनंद ने अपना ये प्लान करुणाकरण के साथ मिलकर बनाया था। उसने सब कुछ करुणाकरण को बता दिया था और वो भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से मान गया था। तो इस तरह से आनंद ने अपना दूसरा केस पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।